तो तभी से ये पता लग गया कि मणि महेश में जो पानी निकलता है वो सीधा यहाँ पे आता है। इसका इसीलिए जब भी मणि महेश में यात्रा होती है, वहाँ पे जब पूजा होती है, तो उसी समय इस डल लेक एट मैक्लोडगंज यहाँ पे भी ये पूजा की जाती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ डल लेक एट मैक्लोडगंज। ये जो आप मेरे बैकड्रॉप पे देख रहे हैं डल लेक, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कहोगे ये लेक कहाँ बची है, तो बिल्कुल सूखी पड़ी है। इसकी भी एक ट्रेजेडी बिहाइंड है। जस्ट कुछ महीनों पहले ये बहुत ही अच्छी लेक थी, मगर हिमाचल सरकार ने एक यहाँ पे ठेका निकाला इसका कि इसको रेनोवेट किया जाए, इसके झील का रख रखाव अच्छा किया जाए, और यहाँ के MLA साहब ने उसका मेंटेनेंस के तौर पर वो पैसा भी ले लिया। और जब वो काम शुरू कराया गया तो जो पानी का स्रोत जहां से आता है वो हो गया बंद, पानी का जहां से बाहर निकासी होगी वो खुल गया। आज तक वो पता नहीं लगा पाए कि स्रोत आता कहां से था, जिस कारणवश ये लेक अब बिल्कुल सूख चुकी है, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल ड्राई अप हो चुकी है। तो ये तो इसकी ट्रेजेडी है। बाकी बैकड्रॉप में आप जो मेरे देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा यहाँ बोटिंग होती थी। लिटरली कहा जाता था कि अब लेक की तरफ ना जाए, लेक गहरी है, दलदल है, मगर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी वन ऑफ द पॉइंट्स है जो मैक्लोडगंज में एक्सप्लोर करने लायक हैं। घना जंगल, ठंडी ठंडी हवा, और मैं गिरने वाला था गाइस, पर जो भी है आप देख पा रहे हैं बड़ा अच्छा है, यहाँ जरूर आइएगा। एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूँ। कहा जाता है ना कि नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, तो ये उसी का नतीजा है। जो अब ये लेक रही नहीं, सूख चुकी है। अब इस नेचर इस लेक का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। ये जो लेक है, इसका जो पानी है, आप जानते होंगे मणि महेश हिमाचल में सबसे ऊंचे पर्वत है, शिव जी का बहुत फेमस वहाँ पे स्थान है। पानी वहाँ से आता है और यहाँ निकलता है। अब आप बोलेंगे मणि महेश का मैक्लोडगंज कांगड़ा से क्या लिंक है, तो कहानी कुछ ऐसी कही जाती है कि हुआ क्या था कि गडरिये जो होते हैं, जो भेड़ बकरी पालक होते हैं, वो जब चलते हैं तो वो मणि महेश गए थे। जब वो मणि महेश गया तो उसका कान का एक कुंडल वहीं मणि महेश में गिर गया पानी में। तो उसने कहा जब एक कुंडल गिर गया तो मुझे अब इसका क्या करना। उसने वो कुंडल दूसरा कुंडल भी निकाला और वहीं फेंक दिया। अब 3-4 महीने बाद वो जब वापस इस स्थान पे पहुंचा कांगड़ा के अंदर मैक्लोडगंज में, तो वो उसको प्यास लगी तो वो पानी पीने लगा। और जब उसने पानी पिया तो उसने देखा, अरे ये तो वही कुंडल है जो मेरा मणि महेश में खोया था। और एक कुंडल आया, फिर थोड़ी देर में दूसरा कुंडल भी आया। तो तभी से ये पता लग गया कि मणि महेश में जो पानी निकलता है वो सीधा यहाँ पे आता है। इसका इसीलिए जब भी मणि महेश में यात्रा होती है, वहाँ पे जब पूजा होती है, तो उसी समय इस डल लेक एट मैक्लोडगंज यहाँ पे भी ये पूजा की जाती है। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है डल लेक का। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आइए और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं मैक्लोडगंज के अंदर, चलिए मेरे साथ। यही डल लेक के ऊपर है मंदिर दुर्वेश्वर महादेव डल धर्मशाला। ये कुछ ऐसा दिखता है डल लेक से। नड्डी यहाँ से 1.4 किलोमीटर है, सतोवरी लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है, और वरनेट 5 किलोमीटर, और जस्ट उसके एडजेसेंट है यहाँ पे माता चिंतपूर्णी का मंदिर जो आप सामने देख पा रहे हैं। तो ये डल लेक के जस्ट एडजेसेंट है बिल्कुल। आप पार्क करेंगे अपनी गाड़ियाँ जैसे आप देख भी पा रहे हैं, और यहाँ से आप जाएंगे सीधा माँ के दर्शन करने के लिए। और ये है माता की सीढ़ियाँ।
अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं एक ग्रेवयार्ड में हूँ एडजेसेंट टू द चर्च, और यहाँ पे सारे अंग्रेजों की मतलब ग्रेव्स हैं, और बिल्कुल शांति है, शांत माहौल है। वैसे भी ग्रेवयार्ड में शांति माहौल होता है, तो उस शांति को थोड़ा शांति हमने फैला दी है। बट आप देख पा रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द ग्रेव्स जिनके एडजेसेंट मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, और वो जस्ट मेरे बैकड्रॉप में चर्च है। अमेजिंग प्लेस। वैसे ग्रेव्स के पास खड़ा होना थोड़ा डर भी लगता है, बट डरना क्या, दिन में क्या डर। ये जस्ट मेरे बैकड्रॉप पे आप देख रहे हैं पाथवे है टू द चर्च, एक साइड से आना दूसरी साइड से जाना, और चर्च कुछ इस तरह से दिखता है जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। तो वहीं मैं अभी घूम रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अभी तक अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ प्लीज़ हम्बली शेयर करना ना भूलें। आप शेयर करेंगे तो और लोगों पे भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये एक इको पार्क है, और मुझे एक्चुअली पूरी वाइब धनौल्टी की दे रहा है मसूरी में। तो मसूरी में धनौल्टी एक जगह है, बहुत ही प्यारी जगह, वो वहाँ पे भी एक इको पार्क है। सिमिलरली उसी के तहत यहाँ पे भी एक इको पार्क है, सेम एम्बियंस, ऐसे ही घने खड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ वहाँ पे भी थे देवदार के, और यहाँ पर भी है। आइए थोड़ा सा लुक दे लेते हैं इस इको पार्क का। अभी मैं उसके मेन एंट्रेंस गेट की तरफ जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, इको पार्क बनोई धर्मशाला स्मार्ट सिटी। और जस्ट गेट के आगे है ये याक्स, और छोटे छोटे रैबिट्स भी हैं यहाँ पे जिनके साथ आप फोटो खिंचा सकते हैं। फिलहाल को आप थोड़ा याक को दिखा दूँ, ये देखिए फोटो खिंचाने के लिए हैं ये लोग। ये है इको पार्क धर्मशाला स्मार्ट सिटी। फिलहाल तो ये इको पार्क अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ है, और जो मैंने अभी पता किया है वो ये है, जब मोदी जी आएंगे तब ये इनॉग्रेट होगा। अराउंड इसकी जो लागत लगी है दैट इज़ अराउंड 20 crores, और अब ये 20 करोड़ रुपए जो लगा है वो इंतज़ार कर रहा है मोदी जी आए इसको खोलें, तो कुछ पब्लिक आएगी, टूरिस्ट आएंगे, तो इनकी कुछ इनकम होनी शुरू हो। आई वुड रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस ASAP जब भी आपको टाइम मिले। और ये कुछ ऐसा बैकड्रॉप है, तो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं अभी इको विलेज पार्क में क्या है, सम थोड़ी सी आपको झलक दिखा पा रहे हैं, बट नॉट एन इशू, मे बी नेक्स्ट टाइम किसी और समय हम आपसे मिलेंगे और इस इको पार्क को कवर करने के लिए ज़रूर आएंगे। चलिए आगे।